कडे शेतकऱ्यांच्या संपाचा आज 11वा दिवस आहे। केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता भारत बंदची हाक दिली। 8 डिसेंबर म्हणजे उद्या एक दिवसाचा देशव्यापी संप शेतकऱ्यांनी पुकारलाय। मोदी सरकारने कृषी कायदे रद्द करावेत, त्यात सुधारणा करू नये अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे। या देशव्यापी संपावर योगेंद्र यादव यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे, पाहूयात। तीनों कानून खारिज करो, हो सकता है दिल्ली के कान में खबर ना गई हो, 8 तारीख तक वो भी जाएगी। मैं फड़ियां मारने की और बड़ी बड़ी बातें कहने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन दोस्तों आप भी यहां हो, हम भी यहां हैं, रोज एक दूसरे के सामने आएंगे। तीनों कानून वापस लिए जाएंगे, एमएसपी के ऊपर सरकार को मानना पड़ेगा, ये आपकी हमारी आंखों के सामने होगा, आप भी देखते जाइए। उन्होंने कहा था 2 दिन, हमने कहा नहीं नहीं पूरा टाइम ले लो, अब पक्का फैसला करके आओ, 9 तारीख को मिलेंगे, ये होगा और एक कानून पे समझौता करने का सवाल ही नहीं पैदा होगा।